हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एनसीएल लिमिटेड के अंदर आईटीआई विद्यार्थियों के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई है, कुछ वैकेंसियाँ डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए भी निकली हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए, यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी है, अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आइए जान लेते हैं पोजिशन इंसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है। सीरियल नंबर एक पे दिया हुआ है असिस्टेंट फोरमैन, मैट्रिक प्लस डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। बीटेक वाले विद्यार्थी भी इसके अंदर एलिजिबल हैं, लेकिन उनकी जो ब्रांच जो रहेगी, उनका जो डिप्लोमा जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से होना चाहिए। नंबर दो पे देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन डिप्लोमा रिलेटिव एंड हायर एजुकेशन मिनिमम 3 ईयर कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। बीटेक वाले भी विद्यार्थी भी एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी। अब देखते हैं टेक्नीशियन पोजीशन। नंबर तीन पे सीरियल नंबर दिया हुआ है टेक्नीशियन फिटर की पोस्ट, ये रहेगी मैट्रिक और प्लस दिया हुआ है 2 ईयर आईटीआई कोर्स, और प्लस में प्रिय विद्यार्थियों 1 ईयर की अप्रेंटिस भी इसमें कंपल्सरी की हुई है। SCVT और NCVT वाले दोनों विद्यार्थी इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। नंबर चार पे देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन मैट्रिक प्लस ITI 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड SCVT या फिर NCVT प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक दो वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है ITI के ऊपर, तो ITI के साथ साथ अप्रेंटिस आप अवश्य करें, क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ रहेंगी उसके अंदर अप्रेंटिसशिप कंपल्सरी कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर पाँच पे टेक्नीशियन ट्रेनर, 2 ईयर ट्रेनर सेट से ITI SCVT हो या NCVT हो, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप कंपलसरी इसमें दी हुई है। उसके बाद नंबर छः पे है टेक्नीशियन मशीनिस्ट, 2 ईयर SCVT NCVT ITI दोनों इसमें एलिजिबल हैं और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी कंपलसरी है। उसके बाद में टेक्नीशियन वेल्डर, मैट्रिक प्लस ITI 1 ईयर ट्रेड्स SCVT या फिर NCVT प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब जान लेते हैं कि लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 25 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये पूरा आपको कैटेगरी वाइज बताया हुआ है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी टोटल वैकेंसी रहेंगी। तो टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 512। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी रहेंगी। नंबर एक पे असिस्टेंट फोरमैन के लिए रहेगी टोटल 7 पोस्ट, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए रहेगी 47 पोस्ट। उसके बाद नंबर थ्री पे हैं फिटर, टेक्नीशियन फिटर के लिए रहेगी टोटल जो पोस्ट है इसमें 125 24, यानी टोटल फिटर के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट रहेगी 149। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है, टोटल जो पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की रखी गई है 174 है, तो 33 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, 141 यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद नंबर पाँच पे देखेंगे टर्नर के लिए, टर्नर के लिए 16 और 3 पोस्ट अलग से दी हुई है, यानी टोटल इनकी पोस्ट टर्नर विद्यार्थियों के लिए रहेगी 19। उसके बाद में है मशीनिस्ट ट्रेड के लिए, मशीनिस्ट के लिए 8 पोस्ट टोटल दी हुई है। उसके बाद में है वेल्डर, तो वेल्डर के लिए टोटल जो पोस्ट हैं प्रिय विद्यार्थियों वो है आपकी 83, यानी 62 यहाँ दी हुई है और 21 यहाँ दी हुई है। तो कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो जिस जिस कैटेगरी के अंदर आप रहेंगे, तो वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की हुई है। जर्नल के लिए और EWS के लिए, SC ST OVC के लिए अलग अलग दिए हुए, हैंडीकैप्ट या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थी वो अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हो। उसके बाद में दिया हुआ है जो हमारा जो रहेगा रिजर्वेशन दिया हुआ है इसके अंदर, OBC SC कैटेगरी के लिए कितनी छूट रहेगी, कितनी एज में छूट रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे जर्नल जो कैटेगरी है उनके लिए कोई छूट नहीं है किसी प्रकार की। SC ST के लिए 5 साल की एज में छूट है, OBC के लिए 3 साल की है, ठीक है, उसके लिए हैंडीकैप्ट है, या ST ST के लिए 15 है, अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बाद में एप्लीकेशन जो फ़ीस रहेगी वो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी और OBC के लिए रहेगी 500 रुपये,
एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं रखी गई है। उसके बाद में दिया हुआ इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, तो प्रिय विद्यार्थियों काफ़ी अच्छा जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, तो उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम जो कनेक्ट करवाया जाएगा वो आपका 100 नंबर का होगा यानी 100 नंबर का होगा, ठीक है। 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इसके अंदर, और पार्ट वन के अंदर जो टोटल जो क्वेश्चन जो रहेंगे टेक्निकल जो है रिलेटिव जो फील्ड जो रहेगा जो ट्रेड जो आपकी रहेगी 70 क्वेश्चन आएंगे, और जो 30 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आएंगे आपके जनरल नॉलेज के। तो उसके बाद देख लेते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ मैक्सिमम जो सिलेक्शन मार्क्स जो रखे हुए हैं जनरल के लिए 50% यानी 100 में से 50 क्वालिफाई रखा गया है इसमें टेस्ट में, और एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 40 यानी 40 नंबर रखे गए हैं। तो खास बात तो ये रहेगी क्योंकि ये जो एग्ज़ाम जो कनेक्ट करवाया जाएगा इसका आपका, तो उसमें टेक्निकल जो है वो 70 यानी 70 क्वेश्चन आपको रिलेटिव सब्जेक्ट के मिलेंगे। उसके बाद में देख लेते हैं क्या क्या और दिया हुआ है इसके अंदर खास। ये जो पीडीएफ फाइल है प्रिय विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको बताएंगे ये फॉर्म है जो आपको कैसे फिलअप करना है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों क्या है कि 4 स्टेप आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में फीस पेमेंट है, अप्लाई और सबमिट। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे स्पेशल नोट्स, तो ये देखिए यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों इसका जो लिंक एक्टिव हुआ था वो 3/8/2020 को हुआ था और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 25/8/2020। तो समय रहते हुए ये फॉर्म जो जो विद्यार्थी एलिजिबल हैं वो ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें। तो अब चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों इसकी वेबसाइट पे, आपको बताएंगे कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों अब हम आ गए हैं गूगल के होम पेज पे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पे 3 डॉट दिए हुए हैं इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देते हैं। इससे क्या होगा जो कि कंप्यूटर में जैसे हमें स्क्रीन दिखाई देती है सेम एज इट इज वैसे खुलेगा। तो अब इसके अंदर आपको टाइप करना है NCL, ठीक है। तो मैंने पहले सर्च किया हुआ था, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पे। तो इस तरह का मेन जो वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी ये देखिए, और यहाँ पे कोने में लिखा हुआ है कैरियर पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है भर्ती और हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, और बिल्कुल नीचे देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स का अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताई है उस पीडीएफ के अंदर। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह आप फ़ोन के अंदर भी अपना ये फॉर्म है फिलअप कर सकते हो। तो इस तरह का इंटरफेस आप फर्स्ट नेम जो कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्लिक करना है, जो नेम मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है एज इट इज आपको डालना है। उसके बाद में देखिए आधार नंबर ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में ईमेल आईडी है कंपलसरी है क्योंकि ईमेल आईडी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर है ये भी कंपलसरी है, आपको ये भी यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद अप्लाई पोस्ट जिस पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड में कैसे करना है आपको जैसे vinod@123, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड फिर करना है vinod@123, उसके अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 भी लगा सकते हो, ऐट द रेट की जगह और भी चिन्ह लगा सकते हो, लेकिन बीच में आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है। उसके बाद में आई एक्सेप्ट के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो दिया हुआ है रजिस्टर्ड इसके ऊपर क्लिक करोगे तो प्रिय विद्यार्थियों एक OTP आपको मिलेगा, जो कि OTP आपके मैसेज बॉक्स में जाएगा, वहाँ से कॉपी करके आपको डालना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो पहले मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके बाद में आपको करना है डायरेक्ट आप चले जाओगे लॉगिन पे। तो यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं इसको। इसको करने के बाद देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड जो कि आपने बनाया था वो डालना है। उसके बाद नीचे जो नंबर दिए हैं वो इसमें डालना है। उसके बाद गो पे करना है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर ईमेल जो आईडी है मैंने क्या दी है वो फिलअप करेंगे।
तो मैंने डाली हुई थी यहाँ पे आईटीआई टेक्निकल 01@.com। उसके बाद में आपको डालना है पासवर्ड्स, उसके बाद आपको करना है 6 1 मल्टीप्लाई 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है। अब उसके बाद करना है गो। तो प्रिय विद्यार्थी इस तरह का खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी अगर आपको बंद करना है तो लॉग आउट दिया हुआ, लॉग आउट आपको करके नेक्स्ट फिर वहीं से स्टार्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में ये देखिए लास्ट डेट दी हुई है 25 अगस्त 2020। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह आप ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। या कंडीशन बताई हुई है, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, आई हैव के ऊपर आपको यहाँ पे राइट का करना है, आई एम रेडी टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो काफ़ी ईजी है, ट्राई करिए आप। तो इस तरह का ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो अपना यहाँ से पूरा फॉर्म जो है, जो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पूरा कंप्लीट फॉर्म यहाँ से आप कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। इसमें थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। जो स्टार के जो निशान लगे हुए हैं वो आपके लिए कंपलसरी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। एड्रेस वगैरह, पेमेंट वगैरह, मैट्रिक और आईटीआई की जो क्वालिफिकेशन है वो सारी दी हुई है, वो आप स्टेप बाई स्टेप भर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों पूरा मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, एक टॉपिक के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।